एचजे न्यूज़ की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कपल ने 6 करोड़ में एक घर खरीदा, लेकिन जो उस घर के अंदर छुपा था उससे इस घर के नए मालिक भी अनजान थे। घर के नीचे एक ऐसा बेसमेंट था, जब घर वालों ने इसे खोला तो वो हैरान रह गए। इंग्लैंड के सोमरसेट में एक कपल ने 6 करोड़ का बंगला खरीदा था। घर खरीदने का बाद 47 साल के रिचर्ड ने जब वाइफ के साथ में शिफ्ट हुए तो एक दिन नजर बेसमेंट पर पड़ी। उनके बेसमेंट में कोल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया कुछ सामान और मशीनें थीं। बाद में रिचर्ड को पता चला कि ये युद्ध के दौरान बनाया गया बंकर था, जिससे जर्मन हवाई जहाजों पर नजर रखी जाती थी। इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि न्यूक्लियर हमला होने की स्थिति में ये सुरक्षित रहे। इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर हमला होता है तो लोग यहाँ छिपकर अपनी जान बचा सकते थे। 8000 स्क्वायर फीट के इस बंकर के अंदर एयर फिल्टर सिस्टम, बेडरूम्स, जनरेटर्स, डिकंटेमिनेशन रूम के साथ 3 हफ्ते का खाना रखने की जगह थी। 1963 में बने इस बंकर का नाम रॉयल ऑब्जर्वर कोर्ट्स था। बाद में जब एक नया बंकर बना दिया गया तो इसे बंद कर दिया गया। एक रियल एस्टेट कंपनी ने इसे खरीद लिया और 5 बेडरूम के बंगले में तब्दील कर दिया। इस बेसमेंट में शीत युद्ध में इस्तेमाल की गई मशीनें अब भी मौजूद हैं।